हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त दुबले और सर। मैं हूं आपका दोस्त दानिया राजपूत, और आप देख रहे हैं द मिलन दानिया रिएक्शन चैनल। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी देरी वहां पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज लाजमी 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 फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सा कंटेंट ऑन दी वे है। आज हम जिस मूवी के बात करने वाले हैं उसका नाम है बब्बर। ये अमृत मान एंड युगराज सिंह इसमें होने वाले हैं इस मूवी के अंदर। ये एक टीजर टाइप उन्होंने दिया है, तो आई थिंक ये डेयर पीरियड का होने वाला है। टीजर कह सकते हैं, ट्रेलर भी कह सकते हैं, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री में ज्यादातर टीजर दिए जाते हैं, छोटे छोटे से डेढ़ मिनट का। ट्रेलर अगर दिया है तो कम ही दिया जाते हैं। और दूसरी बात की जाए, इनकी जो डायरेक्टर है, राइटर है, वो है अमर हुंदल। तो भाई ये किस टाइप की मूवी होने वाले है बब्बर? ये जैसे पाकिस्तानी मूवी नहीं जो सुल्तान राई की, ये उस तरह का टाइटल दिया गया, इश्तियारी गुजर, ये इस तरह हो जाता है बदमाश, इस तरह का टाइटल इसको दिया गया। तो आई थिंक मेरे को ऐसा भी लग रहा है फिर कि ये ना थ्रिलर मूवी होने वाली है, मतलब बदमाशी टाइप फिल्म होने वाली है। ये क्या लगता है भाई तेरे को? यार मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि बब्बर जिस तरह नाम होता है ना, बब्बर शेर, मतलब कि शेर, वो शेर वाला जो दाड़ने वाला होता है शेर, बब्बर शेर। तो मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि ये बदमाशी टाइप मूवी और होने वाली है। ये और अमृत मान है, अमृत मान तो ज्यादातर वो फाइट, वो दूसरे सॉन्ग वगैरह बदमाशी सॉन्ग करते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से तेरे को क्या रोमांटिक। लगता है, इनकी पहली फिल्म है या दूसरी फिल्म है ये? नहीं, मैंने तो इनकी पहली फिल्म कोई नहीं देखी, भाई मेरे इनकी पहली मेरे फिल्म नजदीक आ, पहली पहली है। पहली फिल्म इनकी आ चुकी है, वो है आटे की चिड़ी। मैं उनकी फिल्म ये देखी है, नाम सुना लेकिन देखी नहीं उसमें मैंने। ना उसमें ये थोड़े से ना फनी करेक्टर कर रहे हैं। तो इसमें अच्छा, देखते हैं अब फाइटिंग ये फनी करेक्टर है या फिर ये फाइटर करेक्टर है। तो सीन मेरे को लग रहा है, फाइटिंग मेरे मूवी को तो लग वो रहा भी लग रही है फाइटर। अभी तो सस्पेंस ही है ना, क्योंकि हमने अभी देखा नहीं है, है। मतलब बिल्कुल, ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर चलते अपने मिले की जाना। लेट्स लेट्स गो। गो। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਨਾ ਅਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਕ ਸਮਝਿਆ। मजाया से अड़कर अब ये फाइटिंग में फुल आ गई है यार। अब ये देखे बब्बर आ रही है, ये फुल फाइटिंग है। पीछे काफी आप फिल्म देख सकते हैं, सारी फाइटिंग आई है, फनी कमी आई है, फाइटिंग ज्यादा आई है यार। तो अब ये 11 मार्च को आने वाली है, आई थिंक आपको ये वेट करना पड़ेगा 2-2.5 महीने वेट करना 2 महीने और 4 या 5 दिन। हाँ इतना 2 महीने लगा रहे हैं, 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। तो really देख सकते हैं। और इसकी बात की है, टीजर की बात की है, तो ट्रेलर में फिर देंगे, क्योंकि अभी 11 मार्च को आना है तो ट्रेलर तो आ जाएगा। आ जाएगा, मेरे को भी ऐसा लग रहा है ट्रेलर लग रहा है कि हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ये ट्रेलर दे देंगे। और दूसरी बात की जाए, बब्बर मेरे ख्याल से ये अमृत मान का नाम होने वाला है इस फिल्म के अंदर। क्या लगता है भाई?
और जिस, यार जिस तरह की एंट्री दिखाई है अमृत मान की तो एंट्री दिखाई है जैसे वो पहले ना हाथ दिखाया तो पीछे अंधेरा था मैंने कहा ये पता नहीं हाथ नहीं मगर वो उन्होंने जैसे डायलॉग मारा डायलॉग पूरा कमाल लगा वो कह रहे हैं भाई मुझे पता चला है कि आप इस इलाके का भाई बाप है तो कल हाँ मैं ही हूँ तो फिर जब वो गोली मारी और क्या एंट्री थी यार भाई की हम मतलब के दोनों बहुत एक्साइटेड हैं ये मूवी देखने के लिए तो ट्रेलर मूवी अब फुल आने लग गई है बीच में अब फनी सीन नहीं हो और आपको बताते चलेंगे जिसने डायरेक्ट किया ना अमर हुंदल इसी डायरेक्टर ने वार्निंग मूवी भी डायरेक्ट की थी भाई उन्होंने स्टार्टिंग में दिया था कि वार्निंग मेरे ख्याल से वो गिप्पी ने डायरेक्ट की थी आप शायद जाकर देखें नहीं इसमें वो आगे जो इन्होंने आगे नहीं वार्निंग वो हमें भी दे सकते हैं भाई देखने से पहले दिल थाम लो वार्निंग का ये भी कह सकते हैं ना भाई नहीं नहीं उन्होंने ऊपर लिखा था ना वार्निंग मूवी प्रॉपर आ जाना था मेरे हिसाब से भाई ये मेरे ख्याल से वो गिप्पी ग्रेवाल ने की थी वार्निंग मूवी आप जाके जरा मैंने तो उसके हिसाब से बात की जिस तरह उन्होंने आप उधर जाके देखे फिर आप देखे कन्फर्म कर लेंगे इसलिए मैंने इस बारे बात नहीं की मुझे भी कंफर्म नहीं है क्योंकि हाँ। गिप्पी ग्रेवाल राइटर उन्होंने किया था तो डायरेक्ट भी उन्होंने किया था तो शायद हमने एक बार बात भी की थी इस बारे में बात की थी लेकिन इतना भी याद नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं हम तो बाकी यार मेरे अपने जो व्यूअर्स हैं अपने सब्सक्राइबर हैं उनसे सिर्फ एक छोटी सी शिकायत है वो ये शिकायत ये है कि हम बार बार कहते रहते हैं कि आप हमें वीडियोस बताएं को जिस वीडियो पर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं यार ठीक है वो आप ये शिकायत आपकी चलो ठीक है मगर मेरी जो शिकायत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? वो ये है वीडियोस लोग देते हैं सब्सक्राइब नहीं करते ओ, यार, ये तो मेन है ये तो मेन शिकायत है यार आप अगर यार आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप हम और वीडियोस और एंटरटेनमेंट के साथ और एनर्जी फुल लेकर आपके सामने किस तरह आएंगे यार जब आप हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे और इसका तो यही कमाल हमारे सपोर्ट ये भी हो है कि अगर आप हमारी वीडियो शेयर भी करें तो भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं मतलब कि अभी जो कोई हमारा व्यू देख व्यूअर देख रहा है ना तो वो ये तो कहेगा यार मैंने तो सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन वो हमारी हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि वो हमारी वीडियो अपने किसी फ्रेंड ग्रुप में या फैमिली ग्रुप में या कोई भी मतलब ग्रुप हो तो उसमें शेयर कर सकता है तो यार प्लीज लाजमी किया करें क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं इतना मतलब के प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस वगैरह होती नहीं हमारा लाइव रिएक्शन होता है तो बाकी ये मूवी का जो टीजर था ये बड़ा दबंग था तो हमें तो वेट है भाई इस मूवी का भाई आपको भी वेट है भाई मैंने आपका आपने रिएक्शन भी देखा मेरा हाँ, बिल्कुल क्या अमृत मान की एंट्री है क्या इसमें फाइटिंग सीन होने वाले हैं और इसमें यार जो है ना फाइटर कोरियोग्राफर हम कह सकते हैं ना कोरियोग्राफर से बोलते हैं जो डांस तो फाइटर के लिए भी लोग हायर किए जाते हैं जो फाइटिंग सीन को क्रिएट करते हैं तो इधर क्रिएट करने के लिए बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया गया होगा क्योंकि हर सीन में फाइट हर सीन में फाइट हर सीन में फाइट बिल्कुल और जो उसमें युवराज सिंह है मेरे ख्याल से उनका फ्रेंड होने वाले हैं अमृत मान का इसके अंदर आई थिंक क्योंकि अब ये ट्रेलर ट्रेलर तो है नहीं तो टीजर है टीजर से जितना का गैस हम कर सके उतना हमें हमने आपको बता दिया बाकी जो अगर आपके लेन में कुछ आ रहा है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें तो अगर आपने ये टीजर कह लें इसको टीजर ही कहेंगे भाई टीजर अगर हाँ टीजर अगर आपने ये देखना है तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप इजीली वहां पर जाकर टीजर देख सकते हैं लेकिन वहां पर जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ लगे वाले आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंच रहे अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप इजीली वहां पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं सो प्लीज लाजमी 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 फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सा कंटेंट ऑन दी वे है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज